राजेंद्र फिल्म्स के फिल्मी पिटारा में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुकद्दर का सिकंदर 1978 की ब्लॉकबस्टर फिल्म, कहानी लिखी थी कादर खान, विजय कौल और लक्ष्मीकांत शर्मा ने। निर्देशक थे प्रकाश मेहरा। अमिताभ बच्चन के प्रकाश मेहरा के साथ ये पांचवी फिल्म थी। उनके साथ थे विनोद खन्ना, राखी, रेखा, रंजीत और अमजद खान। निरुपा रॉय और कादर खान स्पेशल अपीयरेंस में थे। अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की ये आखिरी फिल्म थी। फिल्म शोले और बॉबी के बाद मुकद्दर का सिकंदर भारत के साथ साथ रशिया में भी लोकप्रिय हुई थी और सारी दुनिया में भी। फिल्म की कहानी बंगाली उपन्यास देवदास से प्रेरित थी। 1980 में मुकद्दर का सिकंदर की तेलुगु भाषा में फिल्म बनी प्रेमा तरंगालू और 1981 में तमिल में आमरा काव्यम। उस समय इस फिल्म को देखने के लिए टिकट खिड़की पर लंबी कतारें लगती थी। लोग रात को थिएटर के बाहर ही सो जाया करते थे। फिल्म के एक दृश्य में ओ साथी रे इस गाने से पहले अमिताभ बच्चन मंच पर भाषण देते हैं। ये कादर खान ने लिखा था। जब कादर खान ने ये सीन लिखा वो 16 पेज का था। कादर खान ने अपने निजी जीवन के दर्द पर आधारित ये भाषण लिखा था। एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा, फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में रेखा और अमिताभ बच्चन के लव सीन देखकर जया बच्चन रोने लगी थी। हुआ यूं कि इस फिल्म के ट्रायल शो में अमिताभ पूरे परिवार के साथ वहां पहुंचे थे, जहां जया बच्चन आगे की लाइन में बैठी थी और अमिताभ माता पिता के साथ पीछे की लाइन में। वो जया बच्चन को साफ नहीं देख सकते थे, लेकिन रेखा देख सकती थी। रेखा ने कहा, स्क्रीन पर हमारे लव सीन आए तो उनके चेहरे पर आंसू आए थे। ये बात उनकी बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में भी लिखी है। इस किताब को यासिर उस्मान ने लिखा था। रेखा ने कहा, इसके एक हफ्ते बाद इंडस्ट्री में कोई मुझे ये कह रहा था कि अमिताभ बच्चन ने अपने निर्माताओं से साफ कह दिया है कि वो मेरे साथ काम नहीं करेंगे, लेकिन जब मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में एक भी शब्द नहीं बोलूंगा, मुझसे इसके बारे में बात मत करो। हालांकि 3 साल बाद एक बार फिर इन तीनों की जोड़ी बड़े पर्दे पर दिखाई दी थी। ये फिल्म थी यश चोपड़ा की सिलसिला। बने रहिए राजेंद्र फिल्म्स के साथ। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक दीजिए उदय तलेकर को इजाजत। नमस्कार।